तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, जैसे कि अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे वायरल डिजीज की, तो अपने पांच वायरल डिजीज बढ़ ली है। छठी जो वायरस की बीमारी है, जो विषाणु से होने वाला रोग है गाय पशु के अंदर, एनिमल्स के अंदर, उसका नाम है पॉक्स। क्या है पॉक्स? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पॉक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको चेचक। क्या बोलते हैं? चेचक। ठीक है, तो पॉक्स और चेचक। अब पॉक्स और चेचक जब भी दिमाग में आए तो पहले आपको ये सोचना है ये कौन से तंत्र की बीमारी है। तो मैं इसकी बात करूँगा, इसकी पॉक्स की, इसको ऊपर वाले को छोड़ दो अभी, तो मैं इसकी बात करूँगा इस पॉक्स की। तो इस पॉक्स में होता क्या है? पॉक्स बीमारी के अंदर, तो पहले ये आपको देखना कि पॉक्स बीमारी है किस तंत्र के मुख्य रूप से। तो ये इसकी इंटोमेल सिस्टम या त्वचा की, तो स्किन की बीमारी है। इसकी है स्किन की, या फिर किसकी हो गया? त्वचा की। त्वचा कहाँ कहाँ की? पूरे शरीर की त्वचा हो सकती है। अब त्वचा किस किस अंग की मुख्य रूप से, जिसमें हम बात कर सकते हैं? एक तो मुंह, दूसरा आंख, तीसरा अयन यानी अडर, चौथा पैर, ठीक है, पांचवा संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर। तो पॉक्स, पॉक्स इससे मतलब है त्वचा से या स्किन से। अब त्वचा स्किन में होता क्या, वो बात की बात है। तो जब भी पॉक्स वर्ड समझना है कि पॉक्स चाहे पशु का पूछे चाहे मानव का पूछे किसी का भी, तो पॉक्स जब वर्ड समझना है आपको ये रखना है कि ये स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी है, इससे त्वचा से संबंधित कोई बीमारी है। और मुख्य रूप से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं त्वचा के अंदर भी? तो एक तो मुंह, एक आंखें, एक अयन। अयन मतलब अडर, अडर हो गया ना, तो अडर, ठीक है, अयन, पैर यानी फुट या फिर लेग्स, और संपूर्ण शरीर की त्वचा। इसमें पीठ हो सकता है, उदरीय गुहा हो सकती है यानी एब्डोमेन, पेट हो सकता है, पैरों के बीच में हो सकता है, आंख के ऊपर हो सकता है, नाक के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो मेन लक्षण किसमें मिलेंगे आपको? मुंह के अंदर, आंख के ऊपर, अडर के ऊपर और संपूर्ण शरीर में जगह जगह पर, ठीक है। अब इस बीमारी में होता क्या मैं आपको बताऊं, तो पॉक्स में होता क्या आप बताए ना, पहले त्वचा की बीमारी किसकी है? ये त्वचा या स्किन की बीमारी है, ठीक है, आपको समझ में गया। अब इस त्वचा में आपको बताए, त्वचा या स्किन पूरे शरीर की होती है, तो मुख्य रूप से कौन कौन से होंगे? मुंह, आंख, अयन, पैर और उसके बाद संपूर्ण शरीर। इसके अंदर लक्षण मिलेंगे, अब लक्षणों में मिलेंगे क्या क्या उसकी बात करते हैं, उस इन लक्षणों में त्वचा के ऊपर क्या क्या बदलाव आते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले कि जिस पशु को भी पॉक्स की बीमारी हुई है, ठीक है, तो जब पॉक्स की बीमारी हो जाती है तो एक से दो सप्ताह में, कब? एक से दो सप्ताह के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं 10 दिन के अंदर। कितने? 10 दिन के अंदर क्या क्या लक्षण मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि त्वचा के ऊपर, अब त्वचा में कहाँ कहाँ कौन कौन सा अंग बता दिए मैंने? मुंह, नाक, आंखें, अयन, उदरीय गुहा और संपूर्ण शरीर। तो त्वचा के ऊपर क्या मिलेंगे अपन को, कि त्वचा पर क्या क्या मिलेंगे? पहला तो लाल दाने एवं लाल निशान। तो सबसे पहले आपको शरीर पे क्या मिलेंगे, कितने दिन बाद में? जब भी पॉक्स किसी को हो जाए, तो पशु की बात करें एक से दो सप्ताह के अंदर, ठीक है, यानी अपन मान सकते हैं एवरेज 10 दिन में, तो क्या मिलेगा? सबसे पहले त्वचा पर लाल दाने होंगे और त्वचा क्या हो जाएगी वहां पे? लाल रंग की हो जाएगी, ठीक है। तो त्वचा पर क्या दिखेंगे अपन को? लाल निशान या चकते। तो क्या? लाल निशान और चकते। चकते मतलब गोलाकार आकार में अपन को निशान मिलेंगे किसके ऊपर? त्वचा के ऊपर, ठीक है। तो पहला लक्षण क्या मिलता है अपन को त्वचा के ऊपर, कब? कि जब पॉक्स किसी को हो जाता है तो उसके 10 दिन के अंदर या एक से दो सप्ताह में सबसे पहले क्या मिलता है अपन को, कि त्वचा के ऊपर लाल दाने हो जाएंगे, पूरा शरीर लाल हो जाएगा, उसमें खुजली चलेगी, बाल झड़ेंगे,
तो खुजली भी होती है और बाल भी झड़ेंगे। इसके अंदर और क्या हो सकती है, एक तो खुजली और एक बालों का झड़ना, बाल झड़ना, ठीक है। तो तेज खुजली हो सकती है, बाल हो सकता है। तो पहला लक्षण क्या मिला हमको कि जब पॉक्स होता है तो पहली स्टेज में पहला लक्षण क्या मिलता है अपन को कि शरीर के ऊपर या तो शरीर की त्वचा है वो जगह जगह से लाल पड़ जाएगी, जैसे मुंह से, ठीक है, पूंछ के अडर पे यानी अयन पे, आपको बता दें लक्षण का, अयन के ऊपर, आंखों के आसपास, होठों पे, एब्डोमिन लुकवा पे और पीठ के ऊपर लाल लाल निशान हो जाएंगे, त्वचा लाल हो जाएगी और लाल लाल छोटी छोटी फुंसियाँ या फिर दाने दिखेंगे, छोटी फुंसियाँ होती ना तो फुंसियाँ या फिर पिंपल्स जैसे निशान दिखते हैं। तो त्वचा के ऊपर लाल दाने, लाल निशान दिखते हैं चकते, उसको क्या बोलते हैं अपन, रॉसेल। तो क्या वर्ड बोलते हैं कलर, रॉसेल, ठीक है। तो पहला चीज क्या दिखती है, रॉसेल, या इसको मैक्यूल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पॉक्स में कौन सा लक्षण मिलता है अपन को, रॉसेल, या किसको बोलते हैं मैक्यूल, क्या बोलते हैं मैक्यूल भी बोल सकते हैं। तो रॉसेल, रॉसेल में क्या होता है, त्वचा के ऊपर लाल दाने और त्वचा लाल रंग की दिखाई देती है, ठीक है। दूसरे के अंदर क्या होगा कि ये जो लाल दाने हैं वो क्या हो जाएंगे आकार में बड़े, क्यों ये फुंसिया होगी ना, तो फुंसिया या लाल दाने। तो दूसरे लक्षण में क्या दिखेंगे हम कि लाल दाने या फिर क्या हो सकते हैं फुंसिया, फुंसिया किसमें बदल जाएगी, तो ये आकार में क्या हो जाएगी बड़ी, तो आकार में क्या हो जाएगी फुंसिया बड़ी, आकार में बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो जगह जगह पे आपको ऐसा लग जाता है कि बहुत बड़ी फुंसियां दिखने मिलती, तो आकार में अगर वो लाल दाने हैं वो आकार में कैसे हो जाते हैं बड़े, ठीक है। कि पहले जैसे ये था लाल लाल दाने थे त्वचा के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये त्वचा थी यहाँ पे, तो शुरुआत में छोटे छोटे जगह जगह पे छोटे छोटे लाल दाने थे, ठीक है। तो इसको तो क्या बोलते हैं अपन, रॉसेल। तो ये क्या है, सबसे पहले टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, पहला कौन सा वर्ड हो गया रॉसेल, तो रॉसेल का मतलब क्या हो गया, त्वचा के ऊपर लाल दाने, ठीक है। और इसी जगह पे ये तो अगर ये दाने बड़े हो जाते हैं, इससे भी कुछ समय बाद में बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े आकार में क्या करती है बड़े हो जाते हैं इतने बड़े, तो इन बड़े आकार वाली फुंसियों को या लाल दाने को क्या बोलते हैं अपन, पेप्यूल, क्या बोल सकते हैं पेप्यूल। तो दूसरा वर्ड क्या है, क्या पेप्यूल, तो लाल फुंसियां बड़े आकार की फुंसियों में बदल जाती है, क्या बोलते हैं पेप्यूल, क्या बोलते हैं पेप्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इस पेप्यूल के अंदर ये पेप्यूल कैसे हो जाएंगे, और बड़े यानी फपोलों का रूप ले लेंगे। तो तीसरे आकार में क्या होगा अपने, दूसरे में आकार में बड़ी फुंसियां हो जाती है, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, पेप्यूल, क्या बोलेंगे पेप्यूल। तो दूसरा हो गया पेप्यूल अपने। अब तीसरा क्या होगा कि जो ये बड़े लाल दाने हैं वो कैसे होंगे, फपोलों में बदल जाएंगे, किसमें, फपोलों में, बदलना, ठीक है। तो फपोलों का मतलब क्या होगा, आपको पता है ना कि एक बड़ा सा फोड़ा है, उस फोड़े के अंदर क्या हो गया, तरल पानी भर गया, यानी उसमें तरल द्रव्य भर जाता है। तो एक बड़ी फुंसी या बड़ा फपोला जिसके अंदर क्या है, कोई तरल पदार्थ भर जाता है, जैसे इसके अंदर अभी क्या हो गया, तरल पदार्थ भर गया है, ये देखो तरल पदार्थ भर गया है। तो जब भी किसी फुंसी के अंदर कोई तरल पदार्थ भर जाता है, यानी पानी युक्त फोड़ा या पानी युक्त फपोला या द्रव्य युक्त फपोला, उसको क्या बोलते हैं अपन, पिस्यूल, क्या बोलते हैं तीसरा, पिस्यूल। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अभी जैसे पानी भर गया है, तो पानी भरने को क्या बोलेंगे अपन, पिस्यूल, क्या बोलेंगे पिस्यूल, तीसरे निशान का लिखेंगे हम लोग पिस्यूल, ठीक है। और कुछ समय बाद क्या होगा, ठीक है, कि ये जो फपोले हैं जिसमें क्या हो गया, पानी भर गया है, ठीक है, जैसे ये था पिस्यूल, क्या था पिस्यूल, ठीक है ना। तो ये पिस्यूल था, जैसे ये था पिस्यूल, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो कुछ समय बाद ये पिस्यूल क्या फूट जाएगा, तो फूट गया तो पानी तो क्या हो जाएगा बाहर, और ये ऐसे टूट जाएगा ऐसे, तो कुछ समय बाद जो फपोला है वो फूट जाएगा और उससे पानी निकलेगा, तो फूटा हुआ फपोला जिससे पानी निकल रहा है, ठीक है, और वो दब जाएगा। आपको पता है पहले इतना बड़ा था, अभी फूट गया, तो आकार में क्या हो जाएगा छोटा, तो वहाँ की जो त्वचा है जिस जगह फपोले है वहाँ क्या हो जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएगी, जगह जगह पर क्या पड़ जाएगी, झुर्रियाँ, और जगह जगह से वहाँ पानी निकलेगा, मवाद निकलेगा,
ठीक है ना, तो पानी निकलता है और मवाद निकलता है जगह जगह से, तो जहां से पानी निकल रहा है, जहां से मवाद निकलता है उस फोड़ों से, ठीक है, या उन फपोलों से, फपोले फूट जाते हैं और फूटे हुए फपोलों से पानी या फिर किसी तरल पदार्थ का स्त्राव हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। क्या बोल सकते हैं, वेसिकल्स, ठीक है। तो चौथा चीज क्या हो गई, जैसे ये फपोले अभी क्या हो गई, पहले से अभी क्या हो गई, ये फूट गए हैं जगह जगह से, क्या है, टूट गए हैं, तो इनसे क्या निकल रहा है अभी, पानी, ठीक है, ये क्या निकल रहा है, पानी, और आकार में कैसे हो गए, छोटे वैसे क्या बन गई, झुर्रिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वेसिकल। तो कुछ और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि आपको बताया कि ये फोड़ा था, ठीक है, तो अब ये फोड़ा टूट चुका है, तो कुछ समय बाद ये सूख जाएगा, लेकिन पानी नहीं है, तो सूख के क्या बन जाएगा, ये काला, तो कुछ समय बाद क्या बन जाएगा, ये काला, तो ऐसे सूख के ये काले निशान का स्थान ले लेगा, काले स्थान का निशान ले लेगा, सूख जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि फूटा फपोला, फूटा फपोला काला, खुरंट बोलते हैं इसको, खुरंट, खुरंट, ठीक है ना, आपको पता है हमें, हमको कहीं लगती है तो कुछ समय बाद वो काले काले निशान की पपड़ी बन जाती है, बन जाती है ना पपड़ी, तो जब फपोला फूट जाता है, फपोला फूटने के कुछ समय बाद में वहां पे काले रंग की पपड़ी का जमा हो जाता है, जिसको खुरंड बोलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कैब, क्या बोलते हैं, स्कैब या स्कार। तो ये पांच लक्षण मिलते हैं, तो सबसे पहले कौन सा, रोसेल, पेप्यूल, पिस्टूल, वेसिकल और स्कैब, कहां कहां पे मिलेंगे, तो वापस आ जाओ, अभी समझ में नहीं आया तो वापस आपको समझा देता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि पॉक्स के अंदर अपन को लक्षण मिलते हैं, तो पॉक्स के अंदर किस किस के अंदर लक्षण मिलेंगे, त्वचा के ऊपर, किसके ऊपर, त्वचा के ऊपर लक्षण मिलेंगे, त्वचा में मुख्य रूप से कहां कहां पे, एक तो मुंह, आंख, नाक, इसके बाद अयन यानी अडर, पैर और उदरीय गुहा यानी पेट के ऊपर, उदरीय या फिर पेट के ऊपर। अब क्या कंडीशन मिलेंगे, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि इन सभी स्थानों पर सबसे पहले छोटी छोटी क्या होगी, लाल 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 फुंसिया होगी, तो ये क्या है, फुंसिया, या फिर क्या होगा, लाल लाल निशान, ठीक है। अब ये फुंसिया किसमें बदलेगी, बड़े बड़े दानों में, किसमें, बड़े बड़े दानों में, फिर ये बड़े दाने क्या हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद में और बड़े हो जाएंगे, 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 इसमें क्या हो जाएगा, पानी का जमाव, इसमें क्या होगा, तरल पदार्थ भर जाएगा, तो इसमें क्या है, तरल पदार्थ भर गया, कुछ समय क्या होगा, ये तरल चीजें फूट जाएंगी, तो जैसे फूट गई, फूट गई, फूट गई, फूट गई, और इससे क्या निकलेगा, जो पानी था वो बाहर आएगा, जो पानी था वो बाहर आएगा, जो पानी था वो बाहर आएगा, जो तरल था वो बाहर आएगा, उसके बाद क्या होगा कि ये सूख के कैसा हो जाएगा, काला निशान, जगह जगह पे क्या, काले चक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शरीर के ऊपर या त्वचा के ऊपर जो जो भाग है ये, वहां पे लाल रंग के निशान, चक्के, गोल निशान दिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रोसेल या मैक्यूल। उसके बाद ये जो दाने हैं कुछ समय बाद में बड़े आकार की फुंसियों में बदल जाते हैं, तो बड़े आकार की फुंसियों को या दाने को क्या बोलते हैं, तो पेप्यूल। कुछ समय बाद इन ये फुंसियां फपोलों का रूप ले लेती है, किसका, फपोलों का रूप, और जिसमें क्या होता है, तरल पदार्थ भर जाता है, तो तरल पदार्थ युक्त फपोलों को क्या बोलते हैं, तो पिस्टूल, ठीक है। और जब ये पिस्टूल या फपोले फूटते हैं और इससे पानी निकलता रहता है, स्त्राव निकलता रहता है, इसको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। और कुछ समय बाद में जब ये वेसिकल्स सूख जाते हैं, जब पूरा पानी निकल जाता है, तो काले काले रंग के पपड़ी जम जाती है, काले रंग के निशान हो जाते हैं या खुरंट आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्कैब, ठीक है। तो ये मैंने जो लिखी है पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये पांचवे नंबर का, तो ये क्या है, ये कौन सा है, पहले नंबर का जो क्या बोलते हैं, रोसेल, ये क्या है, पेप्यूल, ठीक है, ये क्या है, पिस्टूल, ये क्या है, वेसिकल्स, और ये क्या है, पांचवे नंबर का, स्कैब। तो ये लक्षण मिलते हैं कहां पे, पूरे शरीर के अंदर, आगे समझ में, ठीक है। अब इसकी, अब ये होता किससे है, तो इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं, तो आपको ये सिंपल सा पूछे कि फॉक्स किससे होता है, तो फॉक्स, फॉक्स वायरस से होता है, किससे होता है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि फॉक्स किससे होता है, इसकी इटियोलॉजी की बात करूं, इसकी फॉक्स की, इसकी फॉक्स की, अगर इटियोलॉजी की बात करूं, तो इसकी इटियोलॉजी क्या है, सबसे पहले कि फॉक्स किससे होता है, तो ऑर्थो
पॉक्स वायरस किससे होता है? ऑर्थोपॉक्स वायरस से, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी सीखते हैं वायरोला वैकेना। क्या नाम है? वायरोला वैकेना। क्या नाम है? वायरोला वैकेना। ठीक है, तो एक इसको यहां क्या बोल सकते हैं? वायरोला वैकेना। ठीक है ना, तो पॉक्स किससे होता है? तो पॉक्स बीमारी ऑर्थोपॉक्स वायरस से होता है, या इसको क्या बोलते हैं? वायरोला वैकेना। अगर अलग अलग पशुओं का पूछ ले, ठीक है, कि गाय के अंदर किसका होता है, तो बोवाइन वायरोला वैकेना। ठीक है, तो अगर गाय का पूछ ले तो गाय के अंदर इसके, अगर गाय का पूछे तो इसमें क्या लग रहा है? बोवाइन। ठीक है, और अगर घोड़े का पूछ ले तो घोड़े को इसमें क्या, हमें क्या बोलते हैं? इक्वाइन। तो इक्वाइन वायरोला वैकेना या फिर इक्वाइन पॉक्स। ठीक है, तो मैं वापस आपको समझा देता हूँ। जैसे पूछ ले, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया इटियोलॉजी के अंदर, तो इटियोलॉजी क्या है? क्या होता है? ऑर्थोपॉक्स वायरस। किससे होता है? ऑर्थोपॉक्स वायरस से, जिसको और क्या बोल सकते हैं? वायरोला वैकेना। तो गाय के अंदर किससे होता है? वायरोला वैकेना के अंदर। ठीक है, बकरी का और भेड़ का पूछ ले तो कैप्री पॉक्स। कैप्री आती है तो गायों का पॉक्स या फिर सिर का पॉक्स। घोड़े का पूछ ले तो वायरोला इक्विन यानी हॉर्स पॉक्स। ठीक है, तो इतना याद रखना, सिर्फ ऑर्थोपॉक्स होते हैं और जिस पशु का नाम है उसके आगे पॉक्स लगा दो, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई पॉक्स की बारे में इतनी जानकारी। सिर्फ ज्यादा इटियोलॉजी याद रखनी, और क्या क्या लक्षण मिलते हैं पूछ सकते हैं कि लाल दाने को क्या बोलते हैं? रॉसेल। जिसमें आकार की कुंसियां बड़ी उसको क्या बोलते हैं? पिशिप किसको बोलते हैं? रेस्कर किसको बोलते हैं? स्कैब किसको बोलते हैं? और एक वर्ड क्या? पोकलिजन। पोकलिजन का मतलब शरीर के अधिकांश भागों पे ऐसे लक्षण मिलते हैं जिसको बोलते हैं पोकलिजन। पोकलिजन लिखा है मैंने, पोकलिजन का मतलब है संपूर्ण शरीर पे निशान, गोल निशान, चपटे मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो कौन सा हो गया? पॉक्स। तो अभी तक हमने किसके बारे में बात की थी? पॉक्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट बीमारी है उसके बारे में आपको बात करता हूँ, जिसका नाम है बोवाइन वायरल डायरिया। कौन सी बीमारी है? बोवाइन वायरल डायरिया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट बीमारी है उसके बारे में बात करते हैं। बीमारी का नाम है बोवाइन वायरल डायरिया। ठीक है, तो बोवाइन का मतलब क्या होता है? गाय। वायरल का मतलब क्या होता है? विषाणु। और डायरिया का मतलब होता है दस्त। ठीक है, और दस्त कैसे हो सकती है? खूनी दस्त भी हो सकती है, या फिर कह सकती है पानी युक्त दस्त। तो जो नेक्स्ट बीमारी पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? बोवाइन वायरल डायरिया। यानी बोवाइन मतलब गाय, वायरस मतलब विषाणु, डायरिया का मतलब दस्त। इस बीमारी से स्पष्ट है इसमें गाय को क्या लगती होगी? दस्त। ठीक है, तो दस्त के अंदर खून भी आ सकता है और पानी भी आ सकता है, म्यूकस आ सकता है, मवाद आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट बीमारी कौन सी है? बोवाइन वायरल डायरिया। तो बोवाइन से मतलब क्या है? इसकी बीमारी मुख्य रूप से गाय की, और गाय भी कौन सी है? जो 2 साल से कम है, जिसकी उम्र कितनी है? 2 साल से कम, उसमें होती है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं, तो बोवाइन वायरल डायरिया। अब इस बीवीडी में या बोवाइन वायरल डायरिया में होता क्या है? ठीक है, तो बोवाइन वायरल डायरिया या फिर बीवीडी शॉर्ट में लिखता हूं और कंप्लीट कर सकता हूं, बोवाइन वायरल डायरिया। ठीक है, यानी गायों के अंदर दस्त। ठीक है, गायों के अंदर दस्त। अब इस बीमारी में होता क्या है? आपको पता है दस्त किससे संबंधित है? तो आपको सबके दस्त लग रही है, दस्त का मतलब कौन सा सिस्टम आ जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा आ जाएगा? पाचन तंत्र से संबंधित ये रोग है, समझ में आना चाहिए। दस्त मुंह से तो आती नहीं है, या नाक से तो आती नहीं है, ठीक है, या कान से तो आती नहीं है। ठीक है, तो कहां से आती है? तो हमको समझ में किसकी बीमारी है? पाचन तंत्र की। तो अब पाचन तंत्र के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो अब पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से है? तो सब एक तो मुंह, ठीक है, मुंह से लगा के कहां तक? जो बड़ी आंत है रेक्टम भाग है वहां तक। तो मुंह से लगा के बड़ी आंत की पूरी आर नाल, इसकी पूरी आर नाल,
तो पूरी आर नाक के अंदर रोग हो सकता है। आपको बताया ना, मुंह, मुंह के बाद ग्रसनी, उसके बाद दृष्टिका, उसके बाद आमाशय, आमाशय के चार पार्ट, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत के तीन पार्ट, छोटी आंत के तीन पार्ट, तो सब तो मुंह से लगा के बड़ी आंत, छोटी आंत, रेक्टम तक, ठीक है। अब इस पाचन तंत्र के ऐसे कौन से अंग जो मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मुख्य रूप से इसके अंदर एक तो होती है आते, कौन सी, इंटेस्टाइन या आते प्रभावित होती है मुख्य रूप से, कौन सी होती है, एक तो इंटेस्टाइन यानी आंत, दूसरा होता है मुख गुहा, कौन सी होती है मुख गुहा, ठीक है। और कभी कभार क्या हो सकती है, आंख भी प्रभावित हो सकती है, आंख भी प्रभावित हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बोवाइन वायरल डायरिया जिसमें दस्त लगती है, क्या लगती है दस्त, दस्त कैसी भी हो सकती है, मैंने बताया ना खूनी दस्त भी हो सकती है, साधारण दस्त भी हो सकती है। तो दस्त लगने से किससे संबंधित हो गया, पाचन तंत्र से। अब पाचन तंत्र तो मुंह से लगा गया रेक्टम तक के, यानी बड़ी आंत के लास्ट एकदम तक, यानी जहां से मुंह, जहां से खाना मुंह में जाता है और जिस अंग से अवशेष रूप में बाहर निकलता है वहां तक पाचन तंत्र है। पर इस भाग में कौन कौन से मुख्य अंग है जो प्रभावित होता है इस बीमारी में, तो एक तो होती है आते, एक होता है मुख गुहा, और एक होती है आंख। अब इस भाग में होता क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो मुख्य रूप से एक तो आंख, एक मुख गुहा और आंखें, ये प्रभावित होती है इसमें बोवाइन वायरल डायरिया में, जिसको म्यूकोसल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस बारे में होता क्या है, मैंने बताया मुख्य रूप से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, एक तो आंख, दूसरा मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या होता है आपको बताइए, मसोड़े हो सकते हैं, तालु हो सकते हैं, जीभ हो सकते हैं, ठीक है ना, वो वगैरह वगैरह, और एक आंख, ठीक है। तो आपको पता ही है कि इसके अंदर क्या होगा, पहले तो जो आंतों की जो भी श्लेष्मा कला है, इसकी श्लेष्मा कलाओ, इसकी श्लेष्मा कलाओ, इसकी श्लेष्मा कलाओ, तो श्लेष्मा कला का संक्रमण एवं क्या हो जाएगा, इसकी सूजन, ठीक है। तो कौन कौन से अंग की श्लेष्मा कला की सूजन या संक्रमण होगा, तो एक तो आंतों की यानी इंटेस्टाइन की, उसके बाद मुख गुहा की और आंख की, ठीक है। तो आपको बताइए कि अगर मुंह के अंदर श्लेष्मा कला, तो मुंह के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, अगर मुंह के अंदर श्लेष्मा कला का यहां में, तो मुंह के अंदर बात कर सकता हूं मैं, तो मुंह में क्या क्या हो सकता है आपको बताइए, ठीक है। एक तो छाले, घाव और सूजन, ठीक है। अब आपको बताए मुंह में छाले है, घाव है, सूजन है ना, मुंह के अंदर छाले है, घाव है, सूजन है, ठीक है। तो क्या वो खाना खा पाएगा, नहीं खा पाएगा, ठीक है। क्या वो पानी पी पाएगा, नहीं पी पाएगा, मुंह से लार भी निकलेगी, ये सब लक्षण देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आंतों की बात करें, तो आंतों में क्या क्या हो सकता है, तो आंत में भी एक तो सूजन, दूसरा आंतों का श्लेष्मा का उखड़ना, श्लेष्मा टूटती है तो श्लेष्मा का टूटना, तो श्लेष्मा टूटेगी तो वहां से क्या निकलेगा, रक्त या ब्लड निकलेगा। अगर आंतों की श्लेष्मा टूटेगी तो वहां से क्या निकलेगा, रक्त, और ये रक्त किसके साथ बाहर आएगा, गोबर के साथ, किसके साथ, गोबर के साथ, जो गोबर के साथ क्या आ रहा है, रक्त यानी खून। तो गोबर दस्त के अंदर क्या मिलेगा अपन को, रक्त भी मिल सकता है, क्या बोलते हैं खूनी दस्त, ठीक है। तो दस्त के अंदर क्या मिल सकता है अपन को, रक्त मिल सकता है। उसके बाद आंखों के अंदर सूजन हो सकती है, और जो कॉर्निया है, जो आंखों का कॉर्निया है, आंखों का कॉर्निया सफेद एवं धुंधला, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ध्यान रखना। तो जैसा आरपी रिंटर पेस्ट में होता था, जैसा एफएमडी में होता था, वो कि वो सेम चीजें इसमें मिल रही है, कि इसमें भी मुंह में छाले हो रहे, हाथों में छाले हो रहे, रिंटर पेस्ट में भी ऐसे ही होता था, बड़ी हाथ में जेब्रा मार्किंग मिलती थी आपने पढ़ा, पर इसमें जेब्रा मार्किंग नहीं मिलती है। इसके अंदर क्या होती है, भयंकर दस्त होती है,
और 10 में आंतों की श्लेष्मा कला के अंदर सूजन होती है, आंतों की श्लेष्मा कला टूटती है और वो रक्त के साथ, गोबर के साथ या दस्त के साथ बाहर आती है, ठीक है ना। और जो आंख की कॉर्निया है वो सफेद हो जाती है और वो धुंधला दिखता है, जबकि रिंडरपेस्ट में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। तो आंखों की जो कॉर्निया है वो कैसी होगी, सफेद, और कैसे नहीं होगी, वो धुंधली दिखाई देगी। तो जो आंख की कॉर्निया है वो धुंधली और सफेद किसने दिखती है, बीवीडी में, बोवाइन वायरल डायरिया में, ठीक है, जबकि आरपी में ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। अब इस बीमारी से नाम से स्पष्ट है इसका कि इसमें श्लेष्मा का रोग है, तो आंतों की श्लेष्मा कला है उसमें सबसे भयंकर रोग होता है। तो इसीलिए इस बीमारी का दूसरा नाम क्या दे दिया, इस बीमारी को म्यूकोसल डिजीज भी बोलते हैं। इस बीमारी का उपनाम क्या है, उपनाम, ठीक है। तो इस बीमारी को अपन म्यूकोसल डिजीज, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको श्लेष्मिक रोग, क्या बोल सकते हैं अपन हिंदी में, श्लेष्मिक रोग, श्लेष्मिक रोग यानी किसका है, श्लेष्मा का रोग है। श्लेष्मा भी किसकी, पाचन तंत्र की या डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र भी मुख्य किसकी, आंतरिक अंगों की, यानी एक तो आंत की और आमाशय की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, बोलते हैं म्यूकोसल, म्यूकोसल मतलब श्लेष्मा, और श्लेष्मा का रोग, श्लेष्मा किस अंग की, वैसे तो पूरे शरीर की पर मुख्य रूप से किसकी, पाचन तंत्र की श्लेष्मा। तो पाचन तंत्र श्लेष्मा के अंदर सूजन, उसके अंदर संक्रमण, पाचन तंत्र की श्लेष्मा कला टूटेगी, आंतों की श्लेष्मा कला टूटेगी, वहां से रक्त बाहर आएगा और रक्त गोबर के साथ बाहर आता है। जब आंतें टूट रही है तो क्या खाया पिया वो अवशोषित करेगी, अवशोषित नहीं करेगी, तो वैसा का वैसा पतले दस्त के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तो इसमें क्या होती है, भयंकर दस्त, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसल डिजीज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें क्या बोलते हैं, श्लेष्मिक रोग या म्यूकोसल डिजीज। अब ये होता किससे है, ठीक है, तो मैंने क्या देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन का भयंकर संक्रमण होता है। तो आपको समझा दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र की जो श्लेष्मा कला है उसका संक्रमण होता है, ठीक है। जो इसमें मौत होती है, मोर्बिडिटी, मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, मौत, मौत बहुत अधिक होती है, लगभग 80% मौत होती है, यानी जितने अगर 100 पशुओं को ये बीमारी हुई है, म्यूकोसल डिजीज या बोवाइन वायरल डायरिया, 100 पशु उसमें से 80 मर जाते हैं अगर टाइम पे इलाज नहीं किया तो, ठीक है। इसकी इटियोलॉजी क्या है, तो इटियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेस्टी वायरस, कौन सी, पेस्टी वायरस। तो इटियोलॉजी पूछ सकते हैं कि बोवाइन वायरल डायरिया या म्यूकोसल डिजीज या श्लेष्मिक रोग किससे होता है, तो पेस्टी वायरस से होता है, किससे, पेस्टी वायरस से, जिसको और क्या बोल सकते हैं, बीवीडी यानी बोवाइन वायरल डायरिया वायरस, बोवाइन वायरल डायरिया, ठीक है ना। तो इसको ये बोवाइन वायरल डायरिया भी बोल सकते हैं। और ये किस प्रकार का, अगर पूछ ले कि ये किस प्रकार का विषाणु है, तो ये है डबल एस आर एन ए विषाणु। किस प्रकार का विषाणु है, दो विषाणु किस प्रकार का है, डबल एस आर एन ए का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, श्लेष्मा कला टूटेगी और रक्त के साथ बाहर आएगी, ठीक है। तो आज हमने ये दो बीमारियां हमने खत्म कर दी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट बीमारी के अपन हम कल बात करेंगे।